उपमंडल करसोग के तहत पड़ने वाली महरंग पंचायत में कई गांव पिछले दो दिनों से अंधेरे में हैं। यहां ट्रांसफार्मर जलने के कारण बिजली गुल है और लोगों को अपने मोबाइल अन्य गांव में लोगों के घरों में जाकर चार्ज करने पड़ रहे हैं। इस कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना होने से लोगों में भारी गुस्सा है। हालांकि बिजली बोर्ड के चुराग में स्थित सब डिवीजन में शिकायत करने के बाद कर्मचारियों ने मंगलवार को छुट्टी के दिन स्पॉट पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर को चेक किया। इस दौरान पाया गया कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया है। इस बारे में स्पॉट पर से ही उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, जिसके बाद बिजली बोर्ड ने ट्रांसफार्मर को बदले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों की दिक्कतों को देखते हुए नया ट्रांसफार्मर मंगवाया गया है और देर रात तक बिजली की आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेहरन पंचायत के मेहरन, लोअर मेहरन, लहोट, ककनो, जेल व बड़ो आदि गांव में पिछले कुछ महीने से बिजली कट लगने से लोग पहले ही काफी परेशान हैं, लेकिन 11 नवंबर सुबह से लाइट में पूरी तरह से कट लगा हुआ है। इसको देखते हुए लोगों ने सब डिवीजन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद संबंधित सेक्शन के जेई तकनीकी कर्मचारियों के साथ स्पॉट पर पहुंचे। इस दौरान पाया गया कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया है, जिस कारण कई गाँव में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके बाद नया ट्रांसफार्मर मंगवाया गया, लेकिन चुराग सब डिवीजन में स्टाफ की भारी कमी के कारण स्थानीय लोगों की सहायता से जल चुके ट्रांसफार्मर को नीचे उतारा गया। इसके स्थान पर लगाए जा रहे नए ट्रांसफार्मर को भी लोगों की सहायता से सड़क से स्पॉट पर पहुंचाया गया। लोगों का कहना है कि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में अब बिजली कट लगना सामान्य बात हो गई है। इसलिए सरकार को सबसे पहले स्टाफ की कमी को दूर करना चाहिए, ताकि लोगों को ठंड के मौसम में और परेशानी ना झेलनी पड़े। बिजली बोर्ड सब डिवीजन चुराग के जेई इंद्र सिंह का कहना है कि नया ट्रांसफार्मर मंगवाया गया है, शाम तक बिजली की सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर जलने के कारण बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है, इस समस्या को दूर किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर हमारा भी आ रहा है, शाम तक सप्लाई आपको हो जाएगी। और ये हमारा जल गया था कल शाम को, इसमें इंटरनल फॉल्ट आया था और इसके बाद हम इसको शाम तक। मार्को गांव में कोई लाइट नहीं है, दो दिन परेशान हो गए बिना लाइट के। फोन भी मार्को दूसरे गांव में चार्ज के लिए लेने पड़ते, तब तो फोन करने लगते, इधर उधर बैठे रहते है बाहर। ऐसे तो परेशानी कोई दिन और से है, हमारे को लाइट ही नहीं है ठीक ढंग से। बिजली वाले कोई लापरवाही करते है, हमारे को कोई लाइट ही नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।